स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सिखा रहा हूँ। पैसिव वॉइस बनाते समय आप ध्यान रखें कि निम्न चार टेंसेज में पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। नंबर एक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नंबर दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नंबर तीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नंबर फोर, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर? अतः पैसिव वॉइस केवल आठ टेंसेज में ही बनेंगे। पैसिव वॉइस बनाने के कॉमन रूल्स क्या हैं? कॉमन रूल्स, नंबर एक, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। नंबर टू, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। नंबर थ्री, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते समय उससे पहले बाय लगाते हैं। एंड नंबर फोर, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो ये आपके पैसिव वॉइस बनाने के कॉमन रूल्स हैं जो आप याद रखेंगे। नंबर एक, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। नंबर दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। नंबर थ्री, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते समय उससे पहले बाय लगाते हैं। नंबर फोर, सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। रूल्स अकॉर्डिंग टेंसेस क्या है? पहला टेंस जिसमें पैसिव वॉइस बनती है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रूल क्या है इसका? इसका रूल है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल लिया हमने, आई राइट ए लेटर, ये एक्टिव पार्ट हो गया। इसका पैसिव पार्ट नियम के हिसाब से बन जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय मी। क्लियर? आगे चलते हैं। सेकंड टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका रूल क्या हुआ? वाज ऑब्लिक वर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसका एग्जाम्पल लिया हमने, वही एग्जाम्पल हम आगे भी उसको लेके जा रहे हैं। आई रोट अ लेटर, एक्टिव पार्ट हो गया। पैसिव क्या बन जाएगा? अ लेटर वाज रिटन बाय मी। थर्ड टेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल, आई शैल राइट अ लेटर, एक्टिव पार्ट हो गया। इसका पैसिव वर्ब बन जाएगा अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। क्लियर? आगे चलते हैं। फोर्थ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रूल इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर, पैसिव वॉइस अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। रूल वाज बीइंग, वर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, आई वाज राइटिंग अ लेटर, एक्टिव पार्ट, पैसिव पार्ट अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। नेक्स्ट, सिक्स पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल, आई हैव रिटन अ लेटर, पैसिव वॉइस अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी।
नेक्स्ट पार्ट पास्ट परफेक्ट रूल हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल आई हैड रिटन अ लेटर और पैसिव पार्ट अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी. एट्थ पार्ट फ्यूचर परफेक्ट रूल विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल आई शैल हैव रिटन अ लेटर और इसका पैसिव बन जाएगा लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी. नंबर 9 आपका आता है इम्परेटिव सेंटेंसेस, इसको हम बोलते हैं आज्ञावचक वाक्य. इसका रूल है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय यू. इसका एग्जांपल लिया हमने पहले ओपन द डोर, तो अकॉर्डिंग रूल क्या बन जाएगा लेट द डोर बी ओपन बाय यू. बी ओपनड बाय यू, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगी लिखने में, ओपन लिखा गया है, लेट द डोर बी ओपनड आएगा ओ पी ई एन ई जी ओपनड बाय यू. इसको आप करेक्ट कर लेना. शट द विंडोज, लेट द विंडोज बी शट. तो इस तरह से आपका ब्रीफली एक्टिव पैसिव का चैप्टर पूरा हो जाता है. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. यदि कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट अवश्य करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा. और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. धन्यवाद.